बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम फ्रेंड तमाम व्यूअर खैरियत होंगे। तो आज की खबर सुन के आप बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो कभी 11 की डेट आती है, कभी 14 की, कभी 17 की, कभी 21 की, कभी 30 सितंबर की। तो फाइनली 22 लाहौर ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको ट्वीट दिखाने वाला हूँ आगे जाके। और आज की वीडियो में आपको मैं कोड भी बताने वाला हूँ कि आप डायरेक्ट कोड अपने मोबाइल उनसे एसएमएस करके रिजल्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब रिजल्ट फाइंड किया जाता है, जब रिजल्ट वहां से अनाउंस होता है, तो वेबसाइट बहुत से सर्वर वो हैवी हो जाते हैं, वो ओपन नहीं हो रहे होते। तो आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, अपना रोल नंबर उस कोड पे एसएमएस करेंगे, तो आपको विद इन 1 मिनट रिजल्ट शो हो जाएगा, एसएमएस आ जाएगा। तो वो आगे चल के आपको मैं कोड भी बताने वाला हूँ, 22 लाहौर, 22 फैसलाबाद, 22 हुजूरनगर वाला, तो तमाम के कोड आगे चल के आपको बताऊंगा। हमेशा से ये यूजुअली प्रैक्टिस रही है कि जब भी पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं रिजल्ट अनाउंस होता था, तो सेम टाइम पे होता था, 10:10 पे एज यूजुअल होता था। लेकिन इस दफा कुछ मसाइल की वजह से रिजल्ट टाइम पे अनाउंस नहीं हो सका। तो आज 5 बजे तमाम बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 22 लाहौर का जो ट्वीट आया है उसमें ये मेंशन है, ऑल पंजाब बोर्ड विल अनाउंस मैट्रिक रिजल्ट टुडे 19 सितंबर 2020 एट 5 PM इंशाल्लाह। ये 2 घंटे पहले ट्वीट आया है, तो इट मीन आज इंशाल्लाह रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ये रिजल्ट कितना परसेंट आएगा, क्या इस दफा रिजल्ट अच्छा आएगा? जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो बहुत से कैंडिडेट को ये मसाइल होते हैं कि रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना है। और रिजल्ट आपने फाइंड करने के लिए 22 मुल्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, 22 लाहौर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, 22 रावलपिंडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, 22 गुजरांवाला, 22 फैजनाबाद, 22 साहिवाल, 22 भागलपुर, 22 डीजी खान, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है। आप इधर उधर किसी वेबसाइट में जाना, तो आपको वहां से डायरेक्ट वही साइट ओपन होगी जहां से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर डायरेक्ट साइट भी ओपन नहीं होती तो रिजल्ट का एक आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे आप एयर और अपना रोल नंबर इंटर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट होगा। अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद होगा, मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। रोल नंबर प्रोवाइड करने पे मैं उसको रिजल्ट बता दूंगा। देर सुन, अगर आप शॉर्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं रिजल्ट, जल्दी क्विक रिस्पॉन्स में क्विकली आप रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये आपको स्क्रीन पे कोड नजर आ रहे होंगे। तो इन कोड पे आपने अपना रोल नंबर एसएमएस करना है। 22 मुल्तान का भी है, 22 लाहौर का भी है, तमाम के तमाम कोड मौजूद हैं स्क्रीन पे। आप इन कोड पे अपना रोल नंबर मैसेज करना है, कोई नेम कुछ भी नहीं लिखना, रोल नंबर मैसेज करेंगे तो विद इन 1 मिनट रिजल्ट का एसएमएस मौसूल हो जाएगा। तो ये क्विक सर्विस है। तो डियर स्टूडेंट, रिजल्ट कितने परसेंट तक है, क्या इस दफ़ा एज यूजुअल रिजल्ट इससे बेहतर आएगा या मार्क्स कम आएंगे, और इस दफ़ा रिजल्ट भी ग्रेड्स में होगा, ये भी याद रखिएगा, इस दफ़ा ग्रेड्स में होगा। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि स्कॉलरशिप हमने लेनी होती है कॉलेज से, जब हम एडमिशन लेते हैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए, तो तब हमें मेरिट बेस पे मार्क्स पे हमें स्कॉलरशिप मिलती थी। इस दफ़ा आपको स्कॉलरशिप ग्रेड पर मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट ग्रेड में आएगा। और रिजल्ट एज यूजुअल इस दफ़ा पासिंग परसेंटेज पहले से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस दफ़ा प्रमोशन पॉलिसी है, उसके तहत बहुत से स्टूडेंट प्रमोट हो जाएंगे और रिजल्ट की परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, पास फेल परसेंटेज वो ज़्यादा होगी, लेकिन मार्क्स या ग्रेड थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम नहीं दिए उनके मार्क्स एज यूजल 9th वाले क्योंकि इंक्लूड होने हैं, तो वो उनकी परसेंटेज मीन के वो एज यूजुअल पहले से कम आएंगे मार्क्स। ये मेरी ओपिनियन है, अब अल्लाह बेहतर जानता है बाकी। तो फाइनली आज रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने चाहने वाले को रखिए ढेर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।